नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार और मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। देश भर में एनआरसी, सीएए और एनपीआर को लेकर विरोध लगातार जारी है। विपक्ष के नेता इसको लेकर सरकार को कोस रहे हैं, वहीं देश के विभिन्न हिस्सों में लोग दिन रात धरना पर बैठे हुए हैं। पटना की बात करें, पटना में भी एनआरसी, सीएए और एनपीआर का विरोध प्रदर्शन जारी है। आज पटना सिटी में तमाम नेता पहुंचे, जिसमें स्वराज आंदोलन के अध्यक्ष योगेंद्र यादव भी पहुंचे पटना सिटी में। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान सीएए, एनआरसी और एनपीआर को लेकर क्या कुछ कहा, पहले आप सुनिए। मैं समझता हूं कि डीमोनेटाइजेशन ने इस देश की अर्थव्यवस्था के साथ जो किया, एनआरसी और सीए मिलके इस देश के समाज के साथ वही करने वाले हैं। जैसे आप यूँ समझ लीजिए कि बीमारी है नहीं, लेकिन इंजेक्शन दिया जा रहा है और वो इंजेक्शन अपने आप में फिर एलर्जी करेगा और वो बीमारी बन जाएगा। यही डिमोनेटाइजेशन के साथ हुआ और यही अब एनआरसी और सीएए के साथ होने जा रहा है। बैठे बैठाए सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव में हिंदू मुसलमान को भिड़ाने के लिए पूरे देश को इसमें झोंका जा रहा है, जिसकी ना तो देश को ज़रूरत है, ना देश इसको बर्दाश्त करने की स्थिति में है। न जाने कितने करोड़ों लोग, हर मजहब के, हर इलाके के करोड़ों लोग भय में हैं, चिंता में हैं, संतरास में हैं, लेकिन करना इसे जरूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार करेगा, इस बिल्कुल गैर संवैधानिक कानून को तुरंत स्टे करेगा, ताकि देश में माहौल बन सके कि इसके बारे में चर्चा हो और सरकार इस तरह के कदमों को छोड़ के कुछ वो करे जिससे देश को फ़ायदा हो। आपने नेशनल रजिस्टर बनाना है, बहुत अच्छी बात है, नेशनल रजिस्टर ऑफ अनएम्प्लॉयड क्यों नहीं बनाते, ताकि इस देश के बेरोजगार को कुछ मिल सके। आज देश में समस्याओं की कमी नहीं है, अर्थव्यवस्था मंदी में है, किसान खेती पूरे संकट में है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, इसको क्यों नहीं कर लेते? उस सब से ध्यान बटाने के लिए करना, उसके खिलाफ आज पूरा देश खड़ा हुआ है और एक नया भारत जोड़ो आंदोलन देश में शुरू हो गया है। तो आपने सुना, योगेंद्र यादव आज पटना में थे। पटना में उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि एनआरसी, सीएए और एनपीआर जो है वह देश को तोड़ने के लिए है। बहरहाल, देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप बन रहे हैं हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।